Hi everyone, welcome to Let's Study. In this video we are going to read third chapter of class 6th science book Fiber to Fabric. इस चैप्टर में हम फाइबर से फैब्रिक बनने का जो सारा प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे. फाइबर क्या होता है और इनके बीच में एक प्रोसेस आता है यार्न का, यानी फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनता है. इन तीनों को हम डिटेल से रीड करेंगे और फैब्रिक के टाइप्स कौन से होते हैं तो ये सारा सब हम चैप्टर में देखेंगे. आप वीडियो के साथ बने रहिए, फुल कंसंट्रेट के साथ आपको चैप्टर को सारे चीज़ें आपको समझनी है पूरी, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यार्न. यार्न इज डिफाइंड एज ए लॉन्ग ट्विस्टेड एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड कंपोज्ड ऑफ इंटरलॉक्ड फाइबर्स और फिलामेंट्स विच आर यूज्ड इन नीटिंग एंड वीविंग टू फॉर्म क्लॉथ. फाइबर्स, द थिन थ्रेड्स और फिलामेंट्स विच फॉर्म अ यार्न आर कॉल्ड फाइबर्स. अगर मैं इजी वे में बताऊँ आपको फाइबर और यार्न क्या होता है तो आपने थ्रेड देखा होगा, कितना पतला सा धागा होता है जो नीडल में डालते तो कितनी डिफ़िकल्टी होती है उस नीडल्स में डालने के. तो अगर आप थ्रेड को अच्छी तरह देखोगे तो उसके अंदर भी कितने सारे बारीकी वाले बिल्कुल पतले से थ्रेड आपको मिलते हैं. वो लपेटे लगाकर एक मोटे वाला थ्रेड बनाया जाता है, उसको यार्न बोलते हैं. जो बारीकी से पतले से थ्रेड उसके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे, उसको फाइबर बोला जाता है. तो आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा. तो फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक कपड़ा बनता है, ये प्रोसेस रहता है. वेयर डू फाइबर्स कम फ्रॉम. अब वो फाइबर बात आ गई, फाइबर आता कहाँ से है. फाइबर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. अब फाइबर को दो कैटेगरीज में बांटा गया है. कौन कौन सी? टू टाइप्स हैं फाइबर्स के, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स. तो देखते हैं फिर आगे. नेचुरल फाइबर्स क्या होता है? फाइबर्स डेट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. वे फाइबर जो हमें प्लांट से एनिमल से मिलते हैं, मतलब वो नेचर में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स. वी गेट जूट एंड कॉटन फ्रॉम प्लांट्स. अब हमें कॉटन और जूट प्लांट से मिलते हैं, सभी को पता होगा ये बात. वूल इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ अ गोट और शिप. इट कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ याक, रैबिट्स एंड कैमल्स. अब वूल हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? गोट से, शिप से और याक, रैबिट, कैमल्स, यानी इनके हेयर से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है. सिल्क फाइबर कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म का जो कोकून होता है वहाँ से हमें सिल्क फाइबर मिलती है. तो ये सब नेचुरल होते हैं. आगे फिर सिंथेटिक देखेंगे. फाइबर्स डेट आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस नॉट फॉर्म डायरेक्टली इन नेचर आर क्लासिफाइड एज सिंथेटिक फाइबर्स. वे फाइबर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं, यानी वो फाइबर हमें नेचर से नहीं मिलते, ह्यूमन मेड होता है, केमिकल से वो फाइबर बनाए जाते हैं. तो एग्जांपल भी है इसका नाइलॉन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर. तो नेचुरल फाइबर के एग्जांपल देखे थे हमने, कॉटन, जूट. आपके एग्जांपल आते हैं और डेफिनेशन आती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आप इनको अंडरलाइन भी कर सकते हो एग्जांपल को, डेफिनेशन को. सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल हैं नाइलॉन, एक्राइलिक एंड पॉलिएस्टर. ये सारे फाइबर हैं. तो आपको समझ आ गया होगा नेचुरल और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस है. इसका डिफरेंस और एग्जांपल भी आ सकता है. नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ये डिफरेंस है इसका. तो चलो देखते हैं. नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर्स डेट आर फाउंड इन नेचर. एग्जांपल वूल, सिल्क एंड कॉटन एक्सेट्रा. जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, जो फाइबर हमें नेचर से मिलता है.
These fibers are man-made or simply prepared in lab, nylon, teflon, etc. जो man-made fiber होता है chemical substances से बनाया जाता है वो synthetic. They are good absorbents and so able to absorb heat, temperature, cold, sweat, etc. depending on conditions and nature of fibers. यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कॉटन गर्मी में आप समर सीजन में कॉटन पहनना क्यों पसंद करते हो, क्योंकि वो आपका स्वेट है जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको आपकी ज़्यादा आपको गर्मी भी नहीं लगती, आपकी हीट भी एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए कॉटन ज़्यादा लाइक करते हैं लोग. They do not have such pores as they are made up of chemical and so do not act as good absorbents. यानी इसमें ये सारी फैसिलिटी बोलेंगे नहीं मिलती, क्योंकि ये केमिकल से बना होता है तो ये एब्जॉर्ब करने की इसमें क्षमता नहीं है. No spinning process is required for filament production. अब natural fiber में spinning process की नीड नहीं होती. मेल्टिंग वेट और ड्राई स्पिनिंग प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर फिलामेंट प्रोडक्शन. इसमें पिघलाकर, सुखाकर, गीला कर ये सारी स्पिनिंग प्रोसेसेस की नीड होती है सिंथेटिक फाइबर में, क्योंकि वो मैन मेड है जो केमिकल से बनाया जाता है तो उसमें और काफ़ी चीज़ों की नीड होती है. कंफर्टेबल इन यूज़, जैसे कि बोला आप नेचुरल फाइबर यूज़ करने में आपको कंफर्टेबल होगा, अच्छा रहेगा. नॉट एज कंफर्टेबल एज नेचुरल फाइबर्स. देयर लेंथ इज नेचुरली ऑब्टेन एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द फाइबर स्ट्रक्चर. देयर लेंथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैन एंड द फाइबर्स कैन इज be changed to different structure. इसकी लेंथ को चेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि ये सिंथेटिक मैन मेड है तो अपनी मर्जी से इसकी लेंथ स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं. सम प्लांट फाइबर्स, अब फर्स्ट देखते हैं कॉटन. आपने ये कॉटन का प्लांट देखा कभी फील्ड में? ये कपास का खेत है. कैसे ये निकाली जाती है, ये वाइट वाइट ये सारी कॉटन है, इसका ये प्लांट है तो आप देख सकते हो ये सारे इसके प्लांट है. कितने सारे कॉटन लगे हुए हैं यहाँ पर. वेयर डज कॉटन वूल कम फ्रॉम, अब कहाँ से आती है ये. कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन इन फील्ड्स यूजली एट प्लेसेस हैविंग अ वार्म क्लाइमेट एंड ब्लैक सोइल. अब जो कॉटन के पौधे होते हैं वो कहाँ पर यूजली लगाए जाते हैं और अच्छे रहते हैं? वार्म प्लेस पर, जहाँ गर्मी होती है, और ब्लैक सोइल जहाँ पर पाई जाती है. सम कॉटन प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट्स आर पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एक्सेट्रा. ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको इम्पोर्टेंट समझ के पूरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा. इंडियन स्टेट में जहाँ पर कॉटन पाई जाती है, ये सारे स्टेट्स के नेम हैं. कॉटन प्लांट्स बेयर फ्रूट्स द साइज ऑफ अ लेमन कॉल्ड कॉटन बॉल्स विच बर्स्ट ओपन अपॉन मैचुरिंग एंड द सीड्स रैप्ड अप इन कॉटन फाइबर बिकम विजिबल. कॉटन इज जनरली पिक्ड बाय हैंड फ्रॉम दिस बॉल्स. अब यहाँ पर तो कॉटन ये खिल गया, ये बॉल खिल गई है, लेकिन जब यहाँ पर ये कपास नहीं आई थी तो पहले ये पूरा बंद था, जिसको लेमन की शेप है, जिसको कॉटन बॉल बोला जाता है, लेकिन अभी मैच्योर होके कॉटन खिल गई. इसमें ग्रीन ग्रीन कलर का होता है ये, तो खिलने के बाद हम हाथ से इसको कॉटन को क्या कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं. गिनिंग ऑफ कॉटन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स. गिनिंग एक प्रोसेस है कॉटन फाइबर्स को कॉटन सीड्स से सेपरेट करने का. ट्रेडिशनल गिनिंग यूज टू बी डन बाई हैंड बट दिस डेज मशीन कॉल्ड डबल रोलर कॉटन गिनिंग मशीन आर वाइडली इन यूज. हम इसका हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं, अब मनुष्य मशीनों पर निर्भर हो गया है, तो डबल रोलर कॉटन गिनिंग मशीन से यूज़ लिए किया जाने लगा है.
ये देख रहे हैं आप, गिनिंग कर रहा है ये बॉय हाथ से, कैसे ये कॉटन बॉल से इसको निकाल रहा है, कॉटन को, जूट। अब देखते हैं जूट, ये सारे हम कौन से फाइबर पढ़ रहे हैं, आपको पता है, नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, जो नेचुरल हैं। तो चलो फिर जूट को पढ़ते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। अब जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट की स्टेम से, तने से मिलता है। अनलाइक कॉटन, जूट इज कल्टिवेटेड इन दी रेनी सीजन। अब कॉटन कहाँ पर उगता था, वार्म सीजन में, गर्मी के मौसम में, जहाँ पर गर्मी हो, जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो, लेकिन जूट रेनी सीजन में लगाया जाता है। सम जूट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट्स आर बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल। ये सारे प्रोड्यूस करते हैं जूट को स्टेट्स, बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल। द प्लांट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावर आ जाता जब उस पर, तो ये प्लांट काटा जाता है। द स्टेम्स ऑफ दिस हार्वेस्टेड प्लांट्स आर देन सोक्ड इन वाटर फॉर 4 to 5 days। अब इस प्लांट को काटने के बाद इसको 4 से 5 दिन के अंदर इसको भिगोया जाता पानी में। जूट के प्लांट को इस 4 से 5 दिन तक इसको भिगोया जाता है। द स्टेम्स आर लेफ्ट टू रोट एंड देन द फाइबर्स आर पिक्ड आउट बाय हैंड। अब इसके जो तने हैं उनको सड़ने के लिए रखा जाता, छोड़ा जाता है, और फिर बाद में इसका जो फाइबर्स होता है जूट के प्लांट का, जो ऊपर ऊपर का जो फाइबर होता है वो निकाल लिया जाता है और तना छोड़ दिया जाता है। यार्न इज स्पन थ्रेड दैट इज मेड फ्रॉम फाइबर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए फैब्रिक। स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब स्पिनिंग मेथड है, एक देखते हैं क्या प्रोसेस है इसमें। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इन विच फाइबर्स फ्रॉम अ ह्यूज हीप ऑफ कॉटन वूल आर टेकन आउट एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स देम टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। देर आर टू मेजर डिवाइसेस कॉल्ड टेकली विच इज अ हैंड स्पिंडल एंड चरखा विच इज ऑल्सो अ हैंड ऑपरेटेड डिवाइस आर यूज फॉर स्पिनिंग। तो स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें से हम फाइबर से यार्न बनाने का एक प्रोसेस है, यानी जो बिल्कुल बारीकी से जो थ्रेड होते हैं उससे यार्न बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। अब किससे निकाला जाता है, ये टकली, चरखा, ये सारे मेथड हैं जिससे हम यार्न बनाते हैं। अब देख, ये टू है, ये इधर चरखा, ये टकली है, इन दोनों मेथड से यार्न को बनाया जाता है। द स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ बिगर स्केल इज डन यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स फॉलोइंग विच दिस यार्न्स आर यूज्ड टू वीव फैब्रिक। खादी वॉज द टर्म यूज्ड टू डिनोट क्लोथ्स विच वर मेड फ्रॉम होम स्पून यार्न। ऑन द लेफ्ट वी कैन सी अ चरखा एंड ऑन द राइट वी कैन सी अ सिंपल टकली। तो आप पिक्चर देख पा रहे हो, एक तरफ चरखा है और दूसरी तरफ टकली है जिससे यार्न बनाई जाती है, ये स्पिनिंग का मेथड है। यार्न टू फैब्रिक। अब फाइबर टू यार्न किस मेथड से बनाया जाता है, हाँ, स्पिनिंग। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनाते हैं, कौन से मेथड होते हैं, तो वो देखेंगे। देर आर टू मेजर वेज यूजिंग विच यार्न इज कन्वर्टेड टू फैब्रिक, नेमली वीविंग एंड नीटिंग। टू मेथड हैं जिससे हम यार्न से फैब्रिक बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, वीविंग एंड नीटिंग। अब वीविंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ इन ट्विनिंग टू सेट्स ऑफ यार्न सिमल्टेनियसली टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ऐसा प्रोसेस यार्न के दो सेट्स को टुगेदर ज्वाइन कर दिया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। द प्रोसेस इज डन यूजिंग ए लूम विच कैन आइदर बी ऑपरेटेड बाय हैंड बाय मशीन। लूम का यूज़ कर कर इस प्रोसेस को किया जाता है, वो हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। विच इंटरलेसेस टू सेट्स ऑफ यार्न एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यानी दो यार्न्स को डालते हैं। तो आप आगे पिक्चर देखना उसके, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फिर
देखो यहाँ पर ये लूम है, ये धागे आपको यान एक तो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा और दूसरा वर्टिकल दिखाई दे रहा। तो ऐसे वर्टिकल इसी यान को करेंगे तो उसको बोलते हैं वेब थ्रेड, वेब यान। और ऐसे हॉरिजॉन्टल इसमें डालकर ऊपर नीचे डाला जा रहा है ये यान, तो इसको बोलते हैं वेब थ्रेड, वेब यान। तो इससे हम अलग अलग डिज़ाइन के क्लोथ्स बना सकते हैं। जैसे आप साइड में देख रहे हो कि अलग 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 डिज़ाइन के हम बना रहे हैं यहाँ पर। आप अच्छी तरह देख लो कैसे ये हाथ से भी बनाया जा सकता है और उसको इसमें मशीनों का भी यूज़ किया जा सकता है। एक में डालकर दूसरे में डालकर दो सेट्स ले रखे हैं इसने, एक ब्लू एक रेड जान के, और ऐसे फिर ये कपड़ा बनाते हैं। इस मेथड को विविंग बोलते हैं। अब मेथड आ गया नीटिंग। अब नीटिंग में क्या है, नीटिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अब ये भी पूछा जा सकता है कि विविंग में हमने टू सेट्स ऑफ यार्न का यूज़ किया टुगेदर क्लॉथ बनाने के लिए, और नीटिंग में एक सिंगल स्ट्रैंड चाहिए हमें यार्न की, जिससे क्या बनाएंगे हम फैब्रिक बनाएंगे। सॉक्स, स्वेटर्स, मफलर्स एंड ए लॉट ऑफ अदर विंटर क्लोथ्स आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक्स। अब ये अच्छी तरह आप समझ सकते हो क्योंकि किसी ना किसी की दादी मम्मी ये बनाती होगी, जैसे हाथ से स्वेटर बुनती होगी सर्दियों में छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो ये हाथ से किया जाता है, इसको इस मेथड को नीटिंग बोलते हैं। जो ये क्रोशिया होता है इससे क्या बनाया जाता है, स्वेटर कपड़ा बनाया जाता है। तो ये आप देख रहे हो, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री देखेंगे। अब इतने सारे कपड़े, इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे मटेरियल, इतने सारे फैब्रिक्स, कोई नेचुरल होता, कोई सिंथेटिक होता है, कोई प्लांट से मिलता, कोई एनिमल से मिलता है, कोई ह्यूमन मेड होता है, किसी में केमिकल होता है। तो आखिर इनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई ये, तो वही देखेंगे। इन अर्ली टाइम्स व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एक्सेस और द नॉलेज टू प्रोसेस फाइबर, बिग लीव्स एंड द बार्क ऑफ ट्रीज वर यूज्ड बाय पीपल टू कवर देमसेल्फ। अब पहले के समय में, बहुत पहले के समय में, जब लोगों को नॉलेज नहीं थी, फाइबर की नॉलेज नहीं थी, तो फिर फाइबर की नॉलेज नहीं थी तो कपड़ा कैसे बनता, तो वे क्या करते थे, बड़े बड़े पत्ते, आपने भी देखा होगा जो आदिवासी लोग थे वो बड़े बड़े पत्ते ऐसे वो पहनते थे, बार्क ऑफ ट्रीज, वो अपने आप को कवर करने के लिए इन मटेरियल्स का यूज़ करते थे। आफ्टर सेटलमेंट बिगैन इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दे लर्न्ड हाउ टू वीव। अब एग्रीकल्चर यानी खेत आ गए, फील्ड आ गए, तो उन्हें उन्होंने सीखना शुरू किया कि कैसे वीव करते हैं, कैसे वो वीव का मेथड, आपने देखा कि यान से कैसे कपड़ा बनाते हैं। दे यूज्ड ग्रास एंड ट्विग्स टू मेक मैट्स एंड बास्केट्स। तो उन्होंने मैट बास्केट बनाना शुरू कर दिया। एनिमल हेयर और फ्लीस एंड वाइन्स वर रैप टुगेदर इंटू स्ट्रेस्ड आउट स्ट्रैंड्स विच वर देन वोवन इंटू फैब्रिक्स। अब एनिमल्स के हेयर होते हैं, वाइन्स होती है, उनको टुगेदर रैप करके उनका धागा बना दिया, जिससे वो फिर फैब्रिक बना सकें आसानी से। देयर वॉज एन एबंडेंट ग्रोथ ऑफ कॉटन इन एरियाज नियर गंगा विच द अर्ली इंडियंस रेडली यूज टू मेक फैब्रिक्स फॉर देमसेल्स। तो गंगा के पास में उन एरियाज में कॉटन उगना शुरू हो गया, तो वहाँ पर लोगों को नॉलेज हो गई कि कैसे फैब्रिक बनाया जाए अपने आप कॉटन से। देर इज अनदर प्लांट नेम फ्लैक्स विच यील्ड्स नेचुरल फाइबर से। फ्लैक्स नाम का एक पौधा है जिससे नेचुरल फाइबर बनाया जाता है।
The early Egyptians cultivated both cotton and flax and used them for creating fabrics. जो पहले के इजिप्ट वाले होते थे वो कॉटन और फ्लैक्स दोनों के पौधे लगाते थे, फिर दोनों से वो फैब्रिक बनाते थे. कैसे फैब्रिक? नेचुरल फाइबर बनाते थे. दिस प्लांट्स ग्रीन नियर द रिवर नील. नील नदी के पास में ये प्लांट उगते थे. बट इन दोज डेज पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टिचिंग. दे सिंपली यूज टू रैप अराउंड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज. इवन टूडे अनस्टिच क्लोथ्स लाइक साड़ीज धोतीज लंगीज और टर्बन्स आर वाइडली इन यूज. लेकिन उन दोनों दिनों में लोग अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे कि सिला कैसे जा सकता है. अब उन्होंने यान से फाइबर से यान बना लिया, यान से फैब्रिक भी बना लिया. लेकिन जब तक उन्हें वो स्टिच करना नहीं आएगा, कैसे उनको जोड़ के सिला जा सकता है वो करना नहीं आएगा, तो वो कपड़ा नहीं बना सकते. तो अलग अलग फैब्रिक को रैप कर लेते अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. जैसे साड़ीज अनस्टिच होते हैं ना, वैसे ही कवर कर लेते हैं. और धोतीज लंगीज और टर्बन्स ये काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि उन दिनों उनको पता नहीं था स्टिच ये मेथड का, तो वे वैसे ही रैप कर लिया करते थे. इट वॉज विद द एडवेंट ऑफ द सेविंग नीडल डेट पीपल लर्न हाउ टू स्टिच फाइबर्स टू मेक फैब्रिक. तो पहले क्या हुआ, फिर नीडल का विस्तार हुआ, नीडल आई जिससे लोगों ने कपड़ा सिलना शुरू कर दिया. फिर बाद में बहुत सारी मशीनें आई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो कपड़े बनाती हैं. ऐसे फिर ग्रो हुआ और कपड़े की वैरायटी भी चेंज हुई, उसका पहनावा भी चेंज हुआ और टाइप्स भी चेंज हुए. ऐसे विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ चेंज होता गया. फैब्रिक यार्न्स फाइबर्स, आप पिक्चर में देख लेना, फाइबर है ये, थ्रेड है, उससे फिर ये यार्न बनाया गया, फिर फैब्रिक बना. जूट फाइबर्स से हम ये बना सकते हैं, जैसे फैब्रिक रोप, हैंडबैग, गनी बैग, कारपेट, मैट्रेस, ज्वेलरी कैप, ये सारे हम जूट फाइबर्स से बना सकते हैं. और भी होते हैं बहुत सारे. तो यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है. मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि पूरे चैप्टर को बहुत कम वर्ड्स में डिफाइन कर दूं, जिससे आपकी हेल्प और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाने की मैंने अब कोशिश की है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आप इजी वे में समझ पाओ. तो चैप्टर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोट्स आप अपनी सेल्फ स्टडी कर लेना, खुद से पढ़ लेना उनको एक बार, और चैप्टर की वीडियो ध्यान से देखना. आपको चैप्टर समझ आ गया होगा तो एक बार उस इन सारे नोट्स को खुद भी पढ़ लेना. अगर फिर समझ नहीं आए तो दोबारा आप उसी वीडियो में उस टॉपिक को देखना. अगर आपकी क्यूरीज रहती हैं तो फिर आपका चैप्टर अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा. देखिए, अगर आपको अच्छी तरह समझ आए, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो. चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना. तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ. ओके, थैंक यू.